मेरा नाम सुशील रमेश कोल्ले, मैं नागपुर का रहवासी हूँ। AGM कॉरपोरेशन के नाम से मेरा छोटा भाई पंकज रमेश कोल्ले यह ऑर्गेनाइजेशन को मैं चलाता था। चलाते समय में उसका रुझान बॉडी बिल्डिंग में जाने की वजह से बाद में मैंने इस बिज़नेस को टेक ओवर किया और उसके नाम से मैंने पावर ऑफ अटर्नी लेकर उसी फर्म को कंटिन्यू मैंने किया। मेरा काम अच्छा चल रहा था। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के नाम से हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, जिसमें डिजिटल स्क्रीन्स हम लोग पूरे नागपुर में इंडिया में लगाने का हमारा डिसीजन था और हम लोग उस हिसाब से काम कर रहे थे। काम करते हुए मुझे जाहिद मिर्जा बेग और गौतम सिंह यह दोनों लोग व्यक्ति मिले और मिलने के बाद में उन्होंने मुझसे दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद में मेरा भरोसा जीता। भरोसा जीतने के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उनको प्रॉपर्टी का बहुत सारा नॉलेज है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को उन लोगों ने फ़ायदा पहुँचाया है और हम आपको भी फ़ायदा पहुँचाएंगे, ऐसा बोल के उन्होंने दोस्ती की और हम लोगों में दोस्ताना हमारा आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते समय उन्होंने मुझे कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए बोला। दोस्ती होने के वजह से, भरोसा होने के वजह से, उनके बोलने के हिसाब से मैंने अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टी में निवेश किया उनके बोलने पे, और तकरीबन 5,55,00,000 रुपए उनके बोलने पे मैंने 3 अलग अलग जगह पे मैंने पैसे इन्वेस्ट किए। वो इन्वेस्ट पहली प्रॉपर्टी थी मेरी स्मृति टॉकीज सांझा चूल्हा के सामने की चर्च की जगह। दूसरी प्रॉपर्टी जरीपटका मौजा नारा, और तीसरी प्रॉपर्टी मौजा बाबुलखेड़ा शताब्दी चौक। ऐसे 3 अलग अलग प्रॉपर्टी में तकरीबन 5,55,00,000 रुपए इन लोगों ने मेरे से लेकर अलग अलग जगह पे इन्होंने निवेश किए। बाद में यह पता चला कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इन्होंने बोकस की। जो पहली जो प्रॉपर्टी थी स्मृति के सामने की, सांझे चूल्हा के सामने की, वो चर्च की जगह दिखा के उन्होंने मुझे तकरीबन 3,40,00,000 रुपये वहाँ पर इन्वेस्ट कराए, और बचे हुए पैसे जरीपटका और शताब्दी ऐसे 2 प्रॉपर्टी में अलग अलग जगह पर कराए। ये जो भी प्रॉपर्टी की मैंने डील की, करने के पहले उचित सलाह लेने के लिए मेरे एडवोकेट इनके पहचान के थे, पर दोस्ती होने के वजह से मैंने उनसे पूछा। एडवोकेट पीयूष पेंट के रहवासी रामनगर नागपुर, यह नागपुर के रहवासी थे, और जो भी मैंने डील की वो प्रत्येक डील में एडवोकेट पीयूष पेंट के से पूछ के जानकारी लेकर ही मैंने डील की। बाद में पता चला ये कि एडवोकेट जिसको हम हमारा एडवोकेट बोलते थे, वो एडवोकेट हमारा न होते हुए वो उनका था, और इन सब लोगों के माध्यम से सब लोगों ने मेरा अलग अलग जगह पे पैसे इन्वेस्ट कराए। इन्वेस्ट कराने वाले जो लोग थे गौतम सिंह और जाहिद मिर्जा बेग थे, और अलग अलग प्रॉपर्टी में जो लोग थे, जिसमें से जो पहले प्रॉपर्टी में सौदा हुआ था उसमें से पहले व्यक्ति का नाम है फादर जॉन अगस्टिन, दूसरे व्यक्ति का नाम है बिशप हीरा मसीह, तीसरे व्यक्ति का नाम है प्रशांत अशोक सतलारकर, चौथे व्यक्ति का नाम है सुजीत कुमार, पांचवे व्यक्ति का नाम है नईम सैमुद्दीन, छठवें व्यक्ति का नाम है यहाँ पे जो ट्रस्ट से कनेक्टेड लोग थे वो। बाद में पता चला कि ये चर्च के कोई ट्रस्टी नहीं है, चर्च के कोई लीगल ओनर नहीं है, चर्च के कोई भी व्यक्ति नहीं है। उन्होंने मुझसे अलग अलग तरीके से पैसे लेकर अलग अलग एग्रीमेंट किया, मेमोरेंडम किया, और इस तरीके से मेरे चर्च के प्रॉपर्टी में पैसे डाले, जरीपटका के प्रॉपर्टी में पैसे डाले, शताब्दी चौक के प्रॉपर्टी में पैसे डाले। तकरीबन 5,00,00,000 रुपए की बोकस पेपर बना के मुझसे गलत तरीके से मुझसे पैसे हथिया के मुझसे धोखाधड़ी किए। धोखाधड़ी होने के बाद में मैंने UOW क्राइम ब्रांच में इनके बारे में कंप्लेंट की, क्योंकि अमाउंट बड़ा था इस वजह से UOW में कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद में इन लोगों ने पुलिस प्रशासन को भी गुमराह करने की कोशिश की कि हम पैसे इनको देने वाले, बट ऐसा उनका कोई भी तरीका नहीं था पैसे देने का, और वहीं पे उन्होंने तारीख पे तारीख देते हुए तकरीबन 6 महीना 7 महीना ऐसा उन्होंने निकाला, और उल्टा मेरे को ही तकलीफ देना चालू किया। और तकलीफ ऐसा उन्होंने दिया कि कुछ गुंडों की मदद से, कुछ राजनेता की मदद से, और कुछ क्रिमिनल लोगों से मुझे जान से मारने की धमकी देना चालू किए, तकलीफ देना चालू किया। जब उनको इससे भी चैन नहीं मिला तो उन्होंने मेरे ही कंपनी के कुछ बिजनेस पार्टनर्स थे जो कि मेरे साथ में 1932 पार्टनरशिप डीड के तहत में मेरे साथ में काम करते थे, जो कि मेरे बिजनेस पार्टनर थे, उनको ही मेरे खिलाफ उकसाना चालू किया। और इन सारे वातावरण के वजह से, इन सभी घटनाओं की वजह से मैं इतना परेशान हो गया। इन्होंने मुझे इतना उकसाया, इतना परेशान किया, मेंटली इतना टॉर्चर किया और इतना मुझे परेशान किया कि फाइनली 5 जुलाई 2020 को मैंने सुसाइड जैसी घटना करने के बारे में सोचा, और 5 जुलाई को मैंने इस घटना को कर लिया। मेरा ट्रीटमेंट मेयो हॉस्पिटल में चल रहा था, उसी समय में मेरा बयान लिया गया। बयान लेने के बाद में मुझे पता चला कि जिन लोगों पे FIR की गई है उसमें प्रॉपर कुछ लोगों के नाम आए हैं, कुछ लोगों के नहीं आए हैं, जबकि उनके नाम आने चाहिए थे।
उसके बाद में मुझे ये संदेशा हुआ, वहाँ से जानकारी मिली कि इन लोगों ने बरडी थाना को सेट कर लिया है, इनकी पुलिस प्रशासन में पहचान होने के वजह से इन्होंने पुलिस अधिकारी को खरीद लिया है। यह जानकारी मिलने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे उचित न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यह जानकारी मिलने के बाद में अपने नागपुर के कमिश्नर ऑफ पुलिस उपाध्याय सर को मिलने की कोशिश की। उपाध्याय साहब ने मुझे मिलने का टाइम दिया, मैं मिलने के लिए गया और मेरे साथ में हुई घटनाओं के बारे में मैंने उनको सारी की सारी जानकारी दी। और सारी जानकारी देने के बाद में मैंने उनको बताया कि सर मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है और सब लोग ये लोग मिलके मुझे परेशान कर रहे हैं, ब्रोकर्स लोग मिलके या जितने भी प्रॉपर्टी वाले लोग हैं और कुछ लोग मिलके मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। साहब ने मुझे बोला कि इसके बाद में ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको पुलिस प्रशासन पूरा सपोर्ट करेंगे, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में पुलिस आपकी मदद करेगी और जो आपके साथ में अन्याय हो रहा है मैं स्वयं इसमें दखल अंदाजी दूंगा और आपके बारे में उचित न्याय दिलाने के लिए मैं वहाँ के जो भी ऑफिसर्स होंगे उन लोगों को मैं जानकारी दूंगा। और उस दिन के बाद में साहब से मीटिंग होने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा उनके आश्वासन देने के बाद में। और उस दिन के बाद में पुलिस प्रशासन का जो रवैया मुझसे लेकर जो गलत था वो बहुत ही अच्छा हुआ, पुलिस प्रशासन मुझे बहुत अच्छी मदद करने लगी, सही जानकारी सही डायरेक्शन में जा रही थी। बट उसी समय में मेरे कंपनी के कुछ लोगों को ये ब्रोकर लोग और गैर अर्जदार आरोपी लोगों ने क्या कर दिया, मेरे खिलाफ उकसाना चालू कर दिया। उसमें से आशीष जैन नामक एक व्यक्ति है जिसने हमारे कंपनी में बिजनेस में पार्टनरशिप लिया था, उसने हमारे कंपनी में कंपनी को पैसा दिया हुआ था और पैसा देने के बाद में मैंने ऑलरेडी उनको प्रॉफिट भी शेयर किया था और बचे पैसे का कुछ पैसा देकर उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती मेरे से प्रॉपर्टी भी लिखवा के ले लिया था ताकि हमारा पैसों का हिसाब किताब ख़त्म हो जाए। हमने पैसा उनको दे दिया था, हमारा हिसाब किताब ख़त्म हो गया था। पर गैर अर्जदार लोग मिलके आशीष जैन को अपने साथ में लेकर और एक छत्तीसगढ़ की एक लेडीज़ पूर्णिमा ठाकुर और ठाकुर सर, ऐसे दो लोगों को मिलकर कुछ पॉलिटिकल के माध्यम से और कुछ मीडिया वालों के माध्यम से एक उन्होंने एक वीडियो बना के मुझे और डराना धमकाना अभी फिर से उन्होंने चालू किया है। मेरी यही इच्छा है कि मैंने किसी के साथ में फ्रॉड नहीं किया, बट किंतु मेरे ही साथ में फ्रॉड किया गया और ऐसे मेरे जैसे नागपुर में तकरीबन 9 लोगों के साथ में ऐसा ही फ्रॉड किया है। ये लोग चर्च की जगह बेचते हैं, गवर्नमेंट की यूएलसी लैंड जगह बेचते हैं, गवर्नमेंट के एनआईटी एनएमसी की जगह दिखा के जगह बेचते हैं और ऐसे समय में करते समय जब हम वकील के पास में जाके इस बारे में सही जानकारी मांगते हैं और ऐसे कारणों में अगर खुद स्वयं वकील ही अगर कल्प्रिट रहेगा तो हम लोगों को न्याय किससे मांगना चाहिए। मेरे साथ में इतना फ्रॉड हुआ उसका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि होगा नहीं होगा, पर साहब ने पुलिस साहब ने मेरे को सीपी साहब ने आश्वासन देने के बाद में सही तरीके से सही अच्छी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट मैं यही चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ में फ्रॉड किया है उनके ऊपर में दंडात्मक कार्रवाई हो और मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जो कंपनी के लोग हैं जिनको ये भड़काते जा रहे हैं या उकसाते जा रहे हैं, अगर मैंने अभी तक के मैंने ना कोई फ्रॉड किया ना कुछ किया, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ अपने लिए समाज के लिए देश के लिए, इतनी सारी नौकरियाँ मैंने पैदा किए, लोगों को इतने सारे रोजगार किए, इतनी अच्छी कंपनी को इन कुछ लोगों ने मिलके जो कंपनी को धोखा दिया, कंपनी का पैसा लूट डाला, कंपनी को नुकसान पहुँचा, आज ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी के पास में सैलरी बांटने के लिए पैसे नहीं, कंपनी के पास में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में कनेक्टिविटी करने के लिए पैसा नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को उचित न्याय मिलना चाहिए और जो लोग मेरे कंपनी के लोगों को उकसा रहे हैं वो किसी भी तरीके से उकसे नहीं, वो कंपनी के साथ में रहे, कंपनी को सपोर्ट करे। कंपनी ने अभी तक के व्यवहार अच्छा रखा है तो कंपनी आगे भी अच्छा व्यवहार रखेगी और किसी भी गलत भ्रांतियों में वो ना जाए, यही मेरी आप लोगों से और सब लोगों से विनती है और उचित न्याय मुझे मिलना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद। कुछ पॉलिटिकल लोगों का बोला है तो क्या नाम है वो पॉलिटिकल लोग? पॉलिटिकल लोग जो है वो डायरेक्ट सामने नहीं आ रहे, वो जो लोग है पॉलिटिकल लोग ये कौन से पक्ष के, क्योंकि उसमें 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं, कौन से संस्था के वो भी मेरे को एग्जैक्ट क्लियर नहीं आ रहे हैं, पर वो जो गैर अर्जदार है उन लोगों का जो कनेक्टिविटी है राजपूत करने से ना, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी या फिर कुछ ऐसे पार्टियों से भी कनेक्टिविटी है, बट मैं अभी भी मेरे को इसके बारे में 100% सही जानकारी नहीं है। पर इतना जानकारी है कि मेरे साथ में अगर फ्रॉड किया है, मेरी कंपनी तो मैं बिजनेस कर रहा था पर इनकी तो कोई कंपनी नहीं थी, पर ये कैसा पब्लिक से मेरे से पैसा लेके इन्होंने ऐसा फ्रॉड किया? आपने जो आरोप लगाए हैं कुछ क्रिमिनल और कुछ पॉलिटिशियन को, क्या उनके नाम बता सकते हैं?
अभी इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैं अकेला हूँ, मुझे डर है इस बात का कि अगर मैं उन लोगों के नाम अगर बता तो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ज़्यादा ही तकलीफ हुई है कि इस प्रकार से, तो जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा तो मैं डेफिनेटली सभी मीडिया के सामने में आके मैं उनके खुले शब्दों में मैं उनका नाम जरूर लूँगा।